टाइल्स लगवाना चाहते हो और पैसे बचाना चाहते हो, टाइल्स कहाँ पर सस्ती मिलती है और एक बॉक्स के अंदर कितनी टाइल्स आती है और कितना स्क्वेयर फीट मटेरियल आता है और कौन सी टाइल्स सबसे अच्छी आती है, कौन सी कंपनी की आती है और कौन सी टाइल्स हॉल में लगा जाएगी, कौन सी टाइल्स रूम के अंदर लगा जाएगी, कौन सी टाइल्स वॉल में लगा जाएगी, कौन सी किचन में लगा जाएगी, कौन सी एलिवेशन टाइल्स में लगेगी और कौन सी पेटी कितने में मिलेगी विथ मटेरियल, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को काम दोगे तो कितने रुपये में पड़ने वाला है। तो इसी पर दोस्तों मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और दोस्तों इस काम के करते करते दोस्तों मेरे को 10-11 साल हो गए, तो और इससे रिलेटेड मैंने दोस्तों कई वीडियो अपलोड किए हैं और करता रहता हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइल्स लगवाने से पहले आपको ये जो मैं बताऊंगा ये आपको नॉलेज होना ही चाहिए, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि कई दुकानदार ऐसे होते हैं जो बहुत ही डिफरेंट तरह के आदमी होते हैं। जब भी आप पहली बार दुकान में जाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइल्स की साइज कौन सी सही रहेगी और किस रूम के अंदर कितनी टाइल्स लगने वाले हैं, टोटल बॉक्स कितने लगने वाले हैं, टोटल स्क्वायर फीट कितना है और कलर कहाँ पर कौन सा कलर बहुत ही अच्छा लगेगा और किचन के अंदर कौन सी टाइल सही रहेगी और बाथरूम के अंदर कौन सी साइज सही रहेगी और किस तरह की साइज कहाँ पर सही रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आप ये जान जाओगे और ये आपको नॉलेज ये मिल जाएगा कि किचन के अंदर आपको कौन सी टाइल्स लगवानी है, बाथरूम के अंदर आपको कौन सी टाइल्स लगवानी है और लॉबी में कौन सी टाइल्स लगवानी है, हॉल में कौन सी टाइल्स लगवानी है, बेडरूम में कौन सी टाइल्स लगवानी है और अलमारी कपाट वार्डरोब के अंदर आपको कौन सी टाइल्स लगवानी है और उसका जो रेट है वो क्या होने वाला है वो हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक बाद में कर लेना, पहले अच्छी तरह से वीडियो देख लो, अगर नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट में जो भी मैंने कम जानकारी दी है उसके बारे में आप दिल खोलकर बता सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं बता दूँ कि आपको सबसे पहले जब भी दुकान में जाओगे तो वहाँ पर आपको टाइल्स अलग अलग कलर में आपको देखने को मिलेगी, तो और साइज़ भी अभी बहुत ही डिफरेंट टाइल्स आई है जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी टाइल्स से आई है दोस्तों। सब पहले क्या होता था 2x2 की ट्रेंडिंग में टाइल्स से चल रही थी, उसकी जगह अब आप 2x2 की टाइल्स की जगह दोस्तों बहुत ही अब 2x4 की टाइल्स भी आ गई है, बहुत ही अच्छी टाइल्स आ गई है और कलर भी आप जिस जैसा चाहोगे वो वैसा आपको कलर मिल जाएगा। तो दोस्तों